नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 11.1 का सवाल नंबर 5। तो दोस्तों, अगर आपने पहले के सवाल नहीं देखे हैं तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से सवाल को देख सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, पढ़ते हैं इसको। कह रहा है एक त्रिभुज ए बी सी बनाइए। तो क्या कहता है कि त्रिभुज ए बी सी बनाना है जिसमें हमें दिया गया है कि बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर। बी सी दी गई है हमें 6 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। बी सी कितनी दी गई है हमें? बी सी दी गई है हमें 6 सेंटीमीटर। और हमसे कहा गया है कि इसमें ए बी 5 सेंटीमीटर है। ए बी बराबर कितना है हमारा? 5 सेंटीमीटर है। और देखिए दोस्तों, क्या कहा गया है इसमें? और कहा गया है कोण ए बी सी 60 है। कोण ए बी सी बराबर है हमारा 60 डिग्री, ठीक है। और फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए, इसके भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाएं की 3/4 गुनी हो। कितनी हो? 3/4 गुनी। इतनी बात ध्यान रखिएगा बस। अब देखिए सवाल को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी सी रेखा खींच लेंगे। देखिए बी सी कितनी रेखा खींचनी है हमें? 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है बी सी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बी सी रेखा खींच लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए बी सी रेखा खींच लेते हैं हम। तो सबसे पहले हम बी सी रेखा खींचेंगे, कितनी? 6 सेंटीमीटर की। तो बी सी खींच लीजिएगा 6 सेंटीमीटर की। बी सी जो है 6 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली। अब इसके बाद कह रहा है कोण ए बी सी, मतलब कोण बी कह रहा है 60 डिग्री का। तो देखिए कोण बी 60 का बनाते हैं। 60 का कोण बनाने का सिंपल सा तरीका है, चाहे आप चांदा से बना लीजिए, चाहे प्रकाश से। प्रकाश से बनाएंगे तो ऐसे बनाते हैं, कोई भी दूरी लेकर आप एक चाप लगा लीजिएगा, ठीक है। एक चाप लगा लेते हैं, देखिए ये चाप लगा लीजिएगा। इस चाप को लगाने के बाद यहाँ से वही दूरी से, यहाँ से उतनी दूरी पर एक चाप लगा दीजिएगा ऐसे बस। तो ये हमारा कोण बन जाएगा 60 डिग्री का दोस्तों, ठीक है। तो हमारा ये कोण 60 डिग्री का बन गया है। तो इस प्रकार से हमारा ये कोण 60 डिग्री का बन गया। चाहे इसको आप ना माप लीजिएगा, तो देखिए ये चाना मेरे पास है, इसे नापते हैं 60 का है या नहीं है। तो देखिए यहाँ से रखते हैं इसको, हम नापते हैं, देखिए बिल्कुल 60 का बन गया है। चाहे आपको लग रहा हो 0, 10, 20, ये 60 पे लाए थे, 60 का बन गया है। हटा देते हैं इसको। अब देखिए, अब है यहाँ पर ए बी 5 हो, बी ए बिंदु इसी पर होगा 5 सेंटीमीटर का। तो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक चाप लगा लेते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? तो दूरी लेते हैं 5 सेंटीमीटर तक। यहाँ से ये मैंने दूरी ली 5 सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर दूरी ले ली। और यहाँ से हम एक चाप लगा देते हैं, ये चाप, इसका नाम रख देते हैं हम ए। तो देखिए हमारा जो ए और बी जो हो जाएगा वो 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का। अब हम क्या करते हैं, ए सी को मिला देते हैं, ए सी को हम मिला देते हैं, ये मैंने ए सी को मिला दिया। तो देखिए इस प्रकार से हमारा ए बी सी एक त्रिभुज बन गया है। त्रिभुज तो हमारा बन गया। आप कह रहा है समरूप त्रिभुज बनाइए, इसकी भुजाएं 3/4 के अनुपात में हो। इतने सवाल पढ़ाए थे मैंने, सभी का तरीका एक ही है कि आप बिंदु बी दिया गया है, बिंदु बी से एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींच दें, न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींच दें। तो न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींच देंगे हम, ये रेखा मैंने खींच दी है, ठीक है। अब हमें देखना है कि संख्या 3 या 4 में कौन सा ज्यादा है, 3 ज्यादा है या 4। तो देखिए यहाँ पर ज्यादा है हमारी 4, 4 ज्यादा है। तो क्या करेंगे हम, बिंदु बी से जो रेखा खींची है, बी एक्स मान लेते हैं इसको, हम थोड़ी देर के लिए बी एक्स मान लिया, इस पर हम 4 चाप लगा देंगे। तो 4 चाप लगा देंगे जब, तो एक हमारा पहला चाप, एक ये, फिर इसके आगे लगाते हैं। तो देखिए हमारा एक चाप ये, दो, एक ये 3, और एक हमारा ये 4। देखिए तुमने क्या किया है, ये 4 चाप लगा दिए हैं। इसका नाम देखिए रख देते हैं हम यहाँ पर कि B1, B2, B3, B4। 4 चाप लगा देने के बाद अब हम क्या करेंगे, नीचे लिखी हुई संख्या को देखेंगे, नीचे कितना लिखा हुआ है 4। अब हम 4 वाली संख्या को, नीचे जो हमें लिखा होता है उससे ये बिंदु सी इसको मिला देंगे। तो मिला दीजिएगा, तो उससे मैंने बिंदु सी को मिला दिया है। बिंदु सी को मिलाने के बाद अब हमें क्या देखना है, देखना है हर अंश में कितना लिखा हुआ है 3। तो हम तीसरे वाले बिंदु पर जाएंगे, ये इस बिंदु पर, ठीक है। अब इस बिंदु से हम ये चित्र अंदर की ओर बनेगा। तो देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखते हैं कि बी फोर पर कितना कोण बना हुआ है, ये देखें नापेंगे इसको हम। तो हम इस पर एक चाप लगा देते हैं यहाँ से, एक देखिए यहाँ पर मैंने दूरी लेकर, कोई भी दूरी लेकर एक चाप लगा दीजिएगा ये। फिर यही 3 से दूरी लेकर एक चाप लगा देते हैं, ठीक है। इतना काम करने के बाद यहाँ से देखते हैं हम, ये यहाँ से देखते हैं ये दूरी जो है इतना, इसका एक चाप लगा दीजिएगा आप। यहाँ से
इस दूरी का एक चाप लगा देते हैं। अभी वहीं यहां से लेकर हम इस दूरी का एक चाप लगा देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जब इसको मिलाते हैं आगे, तो ये हम यहाँ से इसको जब इसको मिला देते हैं तो ये हमारी रेखा आ जाती है। इसकी रेखा जो आती है बी, ये आ जाती है बी फोर सी के समांतर बी थ्री, ये सी डैश, ये हमारी एक रेखा आ जाती है, ठीक है दोस्तों। इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखिए अगर आगे बात करें हम, तो जो का मैंने यहाँ पे घेरा समांतर रेखा खींची है, वही समांतर रेखा अब यहाँ पर खींचते हैं ऊपर सी सी डैश पर। तो देखिए हम क्या करेंगे समांतर रेखा खींचने के लिए, यहाँ पर एक दूरी लेकर एक चाप लगा देते हैं, कोई भी दूरी लेकर चाप लगा दीजिए, यहाँ से भी इस बिंदु सी से भी हम वही दूरी लेकर एक चाप लगा, दूरी वही रखिएगा सेम टू सेम। अब यहाँ से हम देखते हैं कि ये वाली दूरी कितनी है, ठीक है, जो जितनी दूरी है वही वाली यहाँ से उतना ही चाप यहाँ लगा देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ चाप लग गया है। चाप लगने के बाद अब आप सी डैश से इसको मिला दीजिएगा दोस्तों। जब इसको मिला देते हैं तो देखिए इसको मिलाएंगे तो किस प्रकार से मिल जाएगा, ये हमारा आ जाएगा। जब इसको मिला देते हैं देखिए तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा। देखिए यहाँ से मिलाइएगा इसको, ये इस प्रकार से ये मिलकर ये आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा देखिए ये मिलकर इसके आ गया है, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा ये मिल गया है, ठीक है। ये मिल जाने के बाद इसका नाम रख देते हैं यहाँ पर ए डैश, ठीक है। तो इस प्रकार से ए डैश यहाँ पर देखिए सी बी और ये सी डैश हमारा एक दूर बन जाता है, इसके बजाय 3/4 गुनी है। तो देखिए इसकी रचना कैसे लिखेंगे कि सर्वप्रथम बी सी यहाँ तक है, बी और सी सी यहाँ तक, सर्वप्रथम बी सी 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा और फिर बिंदु बी पर 60 डिग्री का कोण बनाया, ठीक है। फिर बिंदु बी से 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक चाप लगाया जो रेखा को ए बिंदु पर काटता है, ठीक है। इस प्रकार से फिर ए सी को मिलाया, इस प्रकार से ए त्रिभुज ए बी सी बन गया है। इसको बनने के बाद अब यहाँ पर हमें 3/4 भुजाएं गुनी करनी है, तो अब क्या करेंगे कि बिंदु बी पर हमने एक न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा बी एक्स खींची और इस पर देखना है हमें 3 और 4 में सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 4 है। तो फिर मैंने यहाँ पर 4 बराबर चाप लगाए। चाप लगाने के बाद दोस्तों क्या किया है, हाँ अगर आपको वीडियो अच्छा दिखाई दे रहा था तो आप लोगों को सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको क्वालिटी वीडियो को बढ़ा देनी चाहिए ताकि आपको वीडियो साफ सुथरा दिखाई दे। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर 4 जो नीचे लिखा हुआ था हद में, उस हद वाले नीचे को मैंने बिंदु सी से मिला दिया है और इसके बी फोर सी के समांतर मैंने बी थ्री सी डैश रेखा खींची, बराबर दूरी देखिए चाप बराबर, मतलब कोण बराबर कर लिया, ये बस रेखा खींच दिए, ठीक है। फिर यहाँ से बिंदु सी से ये रेखा बराबर खींच दिए, समांतर रेखा है। तो इस प्रकार से हमारा ये त्रिभुज जो है ए डैश बी सी डैश बन गया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।